आयोजक है मिथिलेश प्रिंटर्स मुसंडी रोड कालूखेड़ा। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अब आपके कालूखेड़ा में उचित दर पर तुरंत फ्लैक्स छापे जाते हैं। तुरंत संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 9936660221। नमस्कार, मैं साधना, देख रही हूँ युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के मोरावा थाना क्षेत्र से है। मोरावा में बाबा ओमकारेश्वर मंदिर भोलेनाथ का बना हुआ है। कुछ दिनों से मंदिर को लेकर काफी संशय बना हुआ था। कुछ दिनों से आरती कीर्तन बड़े बुजुर्ग नौजवान खुशी खुशी कर रहे थे। वहीं पर कलीम ने आपत्ति दर्ज कराई कि मंदिर परिसर में कोई काम न हो, मगर अमरनाथ सिंह यादव थाना प्रभारी की सूझबूझ से मुस्लिम भाईचारा हिंदू भाईचारा बना है। दोनों पक्ष रजामंद होकर मंदिर के बगल में समाधि बनाने का कार्य शुरू हुआ। अगर थाना अध्यक्ष ने समझौते का कदम न उठाया होता तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। सुशील लोधी ने बताया कि लगभग 50 साल से यह मंदिर बना हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। आज अचानक एक बंदर का स्वर्गवास हो गया, इसको हम मोहल्ला वासी मिलकर उसी बंदर की समाधि बना रहे थे। जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, मंदिर के आसपास के लोग अड़ंगा लगाते हैं, क्या हम अपने मंदिर में कीर्तन भजन ना करें। आजाद सिंह, अमन सिंह, विपिन मिश्रा, ऋषभ मिश्रा, छोटू, रवि राजपूत, संतोष राजपूत, प्रदीप कश्यप, शुभम सिंह ने सभी नौजवानों ने मिलकर मंदिर के निर्माण में सहयोग किया, प्रसाद वितरण कराया, वहीं पर शांति का संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? सुशील कुमार। ये जो निर्माण आपने कर रहे हैं, ये मतलब मंदिर का जी, ये हनुमान जी का जी? तो ये जो भोलेनाथ के पीछे मंदिर है बाबा कातेश्वर का, ये कितने सालों से है? ये हमारे बाबा दादा परदादाओं के आगे से है। आगे से है जी। तो यहाँ पे से ऊपर है। तो आप लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी इस मंदिर बनाने के लिए, आखिर कोई अवरुद्ध है क्या? बिल्कुल। क्या अवरुद्ध है? अवरुद्ध उन लोगों ने हमारे ऊपर ईंटें बरसाए, सरिया लेके मारा और मारने को दौड़े, पूरा फोर्स बुलवा लिया। किन लोगों ने मतलब? ये कलीम, क्या क्या कहना है? उनका कहना है कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ये हमारा है सब। ये बताते मंदिर नहीं रहेगा यहाँ। क्या कहते हैं? मंदिर नहीं रहेगा यहाँ, कुछ नहीं होगा, ये झंडे भी नहीं गड़ेंगे। ये जो अगल बगल जगह पड़ी है ये सब मंदिर की है। ये मंदिर की है जी। तो ये आपके पास कोई लिखा पड़ी है? नहीं, लिखा पड़ी किसी के ना इनके पास है ना मेरे पास है। मतलब आपके पास लिखा पड़ी इसकी कोई नहीं पड़ती? किसी के ना इनके पास है ना मेरे पास है। उनका जो मकान बना हुआ है, हाँ? क्या उसकी रजिस्ट्री है? अब ये वो बता सकते हैं? नहीं, उन्होंने जो रोक लगा रखी है इसके विषय में, तो रजिस्ट्री वो नहीं है। यहाँ की तो नहीं है ना? यहाँ की नहीं है। यहाँ पे दो सड़कें पास है, इधर से है एक, ये इधर से पास है, एक ये पास है पीछे से। यहाँ की नहीं है, यहाँ बीच में नहीं है। यहाँ की कोई रजिस्ट्री इनके नाम नहीं है। अब प्रशासन आया था, इन्होंने क्या कहा प्रशासन? प्रशासन ने कोई अपशब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा रोकने को कहा, उसके बाद जब फैसला उन्होंने सुना तो उन्होंने ये बता दिया। क्या फैसला सुना? ये यही बताया कि नहीं ठीक, मंदिर निर्माण होना चाहिए, तो हम लोग अवैध नहीं है बस। अब कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे लिए? कोई दिक्कत अब नहीं है।